सनसनी। 1984 का खूनी मंजर, दर्द के 34 साल और गुनाहगार को पहली फांसी। अभी तो ये शुरुआत है, अभी छोटी मछलियों के लिए ये सब हुआ है, अभी बड़ी मछलियों को मिलनी है और बहुत बड़ी सजा मिलनी है। जख्म अभी जिंदा है। 34 साल पहले जिस दंगे की आग में दिल्ली झुलस रही थी, 34 साल पहले जिन दंगों में सिख समुदाय के 2500 से भी ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई, 34 साल बाद उस दंगे की कहानी एक बार फिर से जिंदा हो गई है, क्योंकि अदालत ने पहली बार 1984 के एक खूनी गुनहगार को दी है सबसे बड़ी सजा, फांसी की सजा। मुझे इधर मत मारो, मेरे बच्चों के सामने मुझे मत मारो। वो गलों में डाल डाल के ऊपर मट्टी का तेल डाल के आग लगाते हैं। जे पहले ही साड़ी नाल जुड़ दे तो एक अमर नहीं होता, साड़ी नाल कदों दा इंसान मिल जाना, 34 साल नहीं होंदे। 34 साल से एक दर्द इन सीनों में दफन है। 34 साल से वो दर्दनाक लम्हे इनकी आंखें नम कर रहे हैं। चौंतीस साल पहले जिन दंगों की आग में करीब 2500 से भी ज्यादा लोगों की हत्या की गई थी, उन दंगों के खौफनाक मंजर अब भी इनकी नजरों के सामने घूम रहे हैं। पर हमारे लिए वो 34 साल नहीं है, हमारे लिए ताजा जख्म है अभी भी, हमारे लिए आज ही हुआ, अभी हुआ है। 34 साल पहले जिन लोगों ने अपनों को खोया, उनके इंसाफ की लड़ाई आज भी जारी है, और अब 34 साल बाद 1984 के दंगे के एक केस में अदालत ने सुनाया है एक बड़ा फैसला। 1984 के दंगे की सुनवाई में अदालत ने पहली बार किसी गुनहगार को सुनाई है फांसी की सजा। पहली बार 1984 के दंगे के गुनहगार को मिली है सबसे बड़ी सजा। आज अपने घर में जाके दिए जलाने हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी छोटी मछलियों के लिए ये सब हुआ है, अभी बड़ी मछलियों को मिलनी है और बहुत बड़ी सजा मिलनी है। ये कुछ सजा नहीं है, और इससे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। 1984 दंगे के दौरान जब दिल्ली दंगों की आग में झुलस रही थी, उन्ही दिनों दिल्ली के महिपालपुर इलाके में हरदेव सिंह और अवतार सिंह नाम के दो सिख युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, और अब 34 साल बाद हत्या के एक गुनहगार को अदालत ने सुनाई है फांसी की सजा और दूसरे गुनहगार को मिली है उम्र कैद। साल 1984 में दिल्ली के कई इलाके दंगे की आग से घिरे थे, दंगाई सिख समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे थे। उन्हीं दिनों दिल्ली के महिपालपुर इलाके में कुछ लोगों ने सिख समुदाय के दो लोगों को बेरहमी से मार डाला था। संगत सिंह और कुलदीप सिंह उस खूनी मंजर के गवाह थे, क्योंकि वो भी दंगाइयों के निशाने पर थे। इन्होंने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन इनके सामने ही जिन दो लोगों की हत्या हुई, उस खौफनाक पल को वो कभी भूल नहीं पाए। महिपालपुर में हुई दो हत्या का मामला जब अदालत पहुंचा, तो संगत सिंह और कुलदीप सिंह की गवाही ने एक गुनहगार को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया। इनके चेहरे को आप ध्यान से देखिए, 34 साल पहले इनकी क्या उम्र रही होगी। ये उस हिंसक भीड़ के चपेट में आए थे, दो लोग इनके सामने मार दिए गए, ये बुरी तरह जख्मी हुए थे, हालांकि जिंदा बच गए, और आज इन्हीं इन लोगों की गवाही की वजह से मामला अंजाम तक पहुंचा है। क्या कहेंगे, फैसला जो आया है उस पर क्या कहेंगे? अद्धा नया मिला, अद्धा नहीं मिला, दोनों फांसी चाहिए, दो दिन मौत हुई सी, दोनों फांसी चाहिए बस। कुलदीप जी, आप भी उस दिन वहां पर मौजूद थे, कैसे याद करते हैं 1 नवंबर 1984 के उस काले दिन को, क्या कुछ हुआ था? मैं तो 1 नवंबर हर साल रो रो के गुजारता हूँ, है नहीं, मैंने याद आ दिया, मैं सारा दिन रात रोंदा है। रोज आप रोते थे उस घटना को याद करके, आज जब एक को फांसी हुई है, एक को उम्र कैद हुई है, आपके आंसू पोछे कि नहीं पोछे? दोनों को फांसी होती तब पोछे।
दरअसल महिपालपुर में हुई दो सिख युवकों की हत्या के केस को दिल्ली पुलिस ने सबूतों के अभाव में बंद कर दिया था, लेकिन 24 साल पहले बंद कर दी गई इस केस की फाइल को साल 2015 में फिर से खोला गया। इस केस की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया। जांच में संगत सिंह और कुलदीप सिंह ने जो बयान दिया वो केस में बेहद अहम साबित हुआ, और आखिर में अदालत ने दो सिख युवकों की हत्या के दो गुनहगारों की सजा सुनाई। ये दो गुनहगार हैं नरेश सहरावत और यशपाल सिंह। नरेश सहरावत को उम्र कैद मिली है, जबकि यशपाल सिंह को मिली है फांसी की सजा। साथ ही दोनों दोषियों पर 35-35 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हमें शकुन मिला है, हर बारी हम आते थे हमारे जख्मों पे नमक छिड़का जाता था, आज थोड़ा जाके हमारे जख्मों पे मलम लगा है, हमें थोड़ी संतुष्टि मिली है। बाकी कहना चाहेंगे आगे? ये जो बड़े मगरमच्छ है इनको भी अंदर किया जाए, इनको भी फांसी लगी जाए। भी हमारे को ये लगता है लोग बागों के लिए 34 साल है, हमारे लिए 34 साल नहीं है, हमारे लिए तो आज ही हुआ ये हादसा। अदालत का फैसला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1984 दंगों के किसी केस में पहली बार गुनहगार को फांसी की सजा मिली है। जिन लोगों ने इस फैसले के लिए 34 साल इंतजार किया उनका कहना है कि महिपालपुर केस के दूसरे गुनहगार नरेश सहरावत को भी फांसी की सजा दी जानी चाहिए। एक को फांसी का कह रहे हैं, एक को नहीं, ये दोनों को फांसी होनी चाहिए। एक को जो सजा मिली है उसको भी फांसी होनी चाहिए थी। दोनों तो साथी थे ना, इन्होंने दोनों तो कत्लेआम करा है, दोनों ने तो सब कुछ तत्काल का मचाया, उसको भी फांसी होनी चाहिए। दो दोषियों जिन्हें जिन दो लोगों को दोषी पाया गया उनमें से एक को उम्र कैद की सजा सुनाई और एक को फांसी की सजा सुनाई है, और इस फैसले का स्वागत हो रहा है, और अब तमाम फैसलों में न्याय की उम्मीद जगी। और सबकी मांग यही है कि जो बड़े चेहरे हैं इस मामले में आरोपी, मिसाल के लिए सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे कांग्रेस नेता, उन्हें सजा हो, उनके मामले में जल्द से जल्द सुनवाई हो और वो अंजाम तक पहुंचे, ये मांग ये तमाम लोग उठा रहे हैं। महिपालपुर केस में अदालत के फैसले ने 1984 के दंगे के जख्म को फिर से जिंदा कर दिया है, क्योंकि इस दंगे में 2500 से भी ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी। दंगे में हजारों लोगों का परिवार उजड़ गया, उनका सुख चैन छिन गया, और आज 34 साल बाद भी वो कर रहे हैं इंसाफ का इंतजार। ये सुनते ही कई ऐसे लोग हैं जिनकी रूह कांपती है। वो साल जिसने हजारों लोगों को ऐसे जख्म दिए जो आज भी रिसते हैं, दर्द दे रहे हैं, दर्द भी ऐसा जो 34 साल बाद भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये साल 1984 के उन तीन दिनों की कहानी है जब दिल्ली शहर से दिल गायब हो गया था। ये 1 से 3 नवंबर 1984 की कहानी है। October 31, 1984 खबर आई देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर दो सिख सिक्योरिटी गार्ड्स ने गोली चलाई है। सभी सदमे में थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगली सुबह इतनी काली और डरावनी होगी। 1 नवंबर 1984 की सुबह से जो मंजर शुरू हुआ वैसा शायद दिल्ली शहर ने कभी नहीं देखा था। फिर भीड़ आ गई, तो मेरे आदमी का नाम पूछ रहे, वो जबरदस्ती अंदर ही घुस गए, कमरे ची घुस गए, ते बाल तो खिंच के ते बाहर गली में चले आए, ते मेरे आदमी नू डंडे डूंडे उन्होंने मारे, मंजा पा दिता, ओदे रजाई पा दी, फिर सड़िया हुआ टायर पा के मेरे आदमी नू, ते अद्धा सड़ गया मेरा आदमी अद्धा। चीज ऐसे पेट्रोल वगैरह जिंदे भी लेड़ के और आग लगा दी जिंदे को, दो आवाज आई के बचाओ बचाओ, उसके बाद में आवाज ही नहीं सुनाई दी। जाके बाहर लेके गए सरदार जी को, पहले उसके गोले तोड़े लट्ठू से, फिर मिट्टी का तेल डाला, पेट्रोल डाला, सारा जला दिया, ये हमारे आंखों के सामने बेटे किन्नू लबंडे। मैंने कहा सरदार जी ने तो इतने साड़िया ना,
ਵੇਖਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੋਮ ਜੈਸੇ ਲੱਤ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪਲ ਚੁੱਕੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨਾ, ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇ ਸਬਸੇ ਨਿਸ਼ੰਸ ਦੰਗੋ ਮੇ ਸੇ ਏਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਾ 1984 ਕਾ ਦੰਗਾ। ਉਨ ਦੰਗੋ ਕੇ 34 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਗੁੱਸੇ ਔਰ ਦਰਦ ਸੇ ਤੜਪ ਰਹਾ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਰਦ ਕਮ ਹੋਣੇ ਕਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹਾ। ਹਮ ਉਨ ਗਲੀਓ ਮੇ ਏਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਗਏ। ਯੇ ਪੂਰਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਾ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਗ ਮਾਰੇ ਗਏ ਥੇ। ਤਬ ਯਹਾਂ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਯਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਆ ਉਸਕੋ ਦੇਖਨੇ ਵਾਲੇ, ਉਸੇ ਭੁਗਤਨੇ ਵਾਲੇ ਅਬ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਾਲੋਨੀ ਮੇ ਰਹਤੇ ਹੈ। ਯੇ ਗੋਪੀ ਕੌਰ ਹੈ। 1984 ਮੇ ਇਨ੍ਹੋਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਖੋਇਆ ਉਸਕੀ ਟੀਸ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਹੈ ਉਨਕੇ ਹਾਥ ਮੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਕਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਹੈ, ਗਾੜੀਓ ਕਾ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਲੋ ਮੇ ਡਾਲ ਡਾਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਕਾ ਤੇਲ ਡਾਲ ਕੇ ਆਗ ਲਗਾਤੇ, ਘੁੱਟਨੇ ਤੋੜੇ, ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਕਾ ਤੇਲ ਪੈਟਰੋਲ ਡਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਜਲ ਜਲਾ ਦਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਿਰਫ ਉਸਕੀ ਇੱਕ ਬਾਜੂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਹੁਆ ਥਾ ਉਸਕੇ। ਜਬ ਬੱਚੋਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਰ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਜਬ ਹਮ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਖਤੇ ਯਾਦ ਕਰਤੇ ਨਾ, ਹਮਾਰਾ ਕਲੇਜਾ ਫੁੱਲ ਜਾਤਾ। ਗੋਪੀ ਕੌਰ ਜਹਾਂ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਆਪ ਜਿਧਰ ਭੀ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾਏ ਬਰਬਰਤਾ ਕੀ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ 1984 ਕੀ ਘਟਨਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਰੋਣਾ ਛੋੜ ਦਿਆ। ਹਮਾਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੜੋਸ ਕੇ ਘਰ ਮੇ ਛਿਪਾ ਹੁਆ ਥਾ, ਤੋ ਉਧਰ ਸੇ ਹੀ ਨਿਕਾਲ ਲਾਏ, ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਨਕੋ ਮਾਰਨੇ ਲਗੇ ਔਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਧਮਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਉਨਕੋ, ਤੋ ਉਹ ਯੂ ਪਲਟ ਗਏ, ਤੋ ਫਿਰ ਕੁੱਤਾ ਗਿਆ ਵਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਖੂਨ ਚਾਟਨੇ ਲਗਾ। ਇਸ ਗਲੀ ਮੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਕੋ ਬਯਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋ ਕੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭੀ ਕਾ ਦਰਦ ਉਤਨਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮ ਆਜ ਭੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੋਂ ਕੀ, ਬੇਸਹਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚੇ ਹਮਾਰੇ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਪੜ੍ਹਾਤੇ, ਏਕ ਮਾਂ ਵਿਡੋ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਸੇ ਪੜ੍ਹਾਏਗੀ। ਅਬ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਬੇਟਾ ਐਸਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪੜੇ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੋਂ ਮੇ ਇਨਵੇ ਹੀ ਗਿਰੇ ਪੜੇ, ਕਿਆ ਕਮਾ ਕੇ ਲਾਏ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਤੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਸਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਸੇ ਲਗਭਗ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਦੰਗੋ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਏਕ ਜੈਸੀ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਹੈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਕੋ ਉਜੜਤੇ ਦੇਖਾ, ਉਨਕੋ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕਰ ਮਰਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖਾ। ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਜਾਪ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਤਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀਣੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਜਾਪ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਯੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਨਕਾ ਕਸੂਰ ਕਿਆ ਥਾ ਕਿ ਉਨਕੋ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਯੇ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ। ਜਬ ਹਮ ਉਨਸੇ ਮਿਲਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਬ ਵੋ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ। ਪਗੜੀ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਗੜੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਪੱਗ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕ ਇਨਕੇ ਗਾਣੋ ਪਰ ਨਾਚਤੇ ਹੈ, ਝੂਮਤੇ ਹੈ। ਭਲੇ ਹੀ ਦਿਲਬਾਗ ਆਜ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਲੋਗੋ ਕੇ ਲਿਏ ਨਾਚ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 84 ਕੇ ਦੰਗੋ ਕੀ ਟੀਸ ਆਜ ਭੀ ਇਨਕੇ ਦਿਲ ਮੇ ਚੁਭਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਥੇ ਵੋ ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਕਿ ਵੋ 16 ਸਾਲ ਕੇ ਥੇ, ਉਨਕੋ ਲਗਾ ਕਿ ਉਨਕੋ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਂਗੇ, ਤੋ ਜਬ ਭੀੜ ਮੌਬ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇ ਘੁਸ ਆਈ, ਲੂਟ ਪਾਟ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਕਾ ਸਿਰ ਫੜ ਦਿਆ, ਉਸਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਸੇ ਟਾਪਾ। 2 ਨਵੰਬਰ ਮੋਰਨਿੰਗ ਮੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜਾ ਕਰ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਢੂੰਡਾ ਉਸਕੋ, ਤੋ ਦੇਖਾ ਕਿ ਉਸਕੇ ਹਾਥ ਯੂੰ ਥੇ ਮੂੰਹ ਪਰ, ਔਰ ਵੋ ਜਲਾ ਪੜਾ ਥਾ ਪੂਰਾ ਕਾ ਪੂਰਾ, ਇਤਨਾ ਇਸਕਾ ਹਿੱਸਾ।
वो लोग जिनको आप एक दिन पहले तक खेलते हुए साथ में देख रहे हो, उनकी डेड बॉडियां पड़ी आपके सामने। दिलबाग ने हमें तिलक विहार का अपना वो घर भी दिखाया जहां उनका बचपन बीता। तो इस गली में मेरा फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर था। दिलबाग खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि वो आज अपने पैरों पर खड़े हैं, लेकिन उस दौर का हर बच्चा दंगों के दंश से बाहर नहीं निकल पाया। देश भर के अलग अलग इलाकों में 1984 में दंगे हुए। कई शहरों में सिखों की हत्याएं हुई। खबरें आईं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा सिखों को मारा गया। 2700 से ज्यादा सिखों की हत्याएं हुई। कितने सिख मरे उस पर आज तक विवाद है। लेकिन एक ऐसा गांव है जहां कई सिख परिवार के लोगों को मार दिया गया, पर कई सालों तक ये बात उजागर नहीं हो पाई। गांव था हरियाणा के रेवाड़ी शहर के पास चिल्हड़ गांव। जब हम वहां पहुंचे तो हम हैरान रह गए। वहां जिस जगह दंगे हुए थे, हत्याएं हुई थी, आगजनी हुई थी, वो सब आज भी खंडहर की तरह है। किसी ने इस इलाके की सुध ही नहीं ली। उन पीड़ित परिवार के लोग दूसरी जगहों पर रहने लगे हैं, लेकिन 1984 की यादें उन्हें आज भी झकझोर रही हैं। बड़ा भयानक दृश्य देखा, बंदे मरते देखे, हमला हुआ अपने पे, सारे बंदे छोटे बड़े बुजुर्ग मारे गए। 12 मेंबर थे मेरे घर के, दादा दादी थे, मम्मी पापा, दो भाई, तीन बुआ, तीन चाचा, 12 मेंबर घर के चले गए। 34 साल बाद भी 84 के पीड़ित उस दर्द को झेल रहे हैं। सरकार के दिए मुआवजे को वो खानापूर्ति मानते हैं, क्योंकि मुआवजा उनके परिवार और बच्चों की तबाह हुई जिंदगी को नहीं लौटा सकता। उन सब की एक ही मांग है, अब हिम्मत नहीं है, जहाँ तो हमें गवर्नमेंट इंसाफ दे, हमें इंसाफ चाहिए बेटा। बच्चे अधूरे गए, बच्चे नु कुछ भी रोजी रोजगार नहीं है गे। सानू बसे उसाने क्यों जाड़े, आसी बावे चटनी ना रोटी खा लेते, क्यों जाड़ा जे उजाड़े तो सानू इंसाफ भी दे। साडे लिए तो अजी भी 84 भुलदी है कि नहीं, कोई नहीं भुलिए सानू, साडे लिए अजी भी 84 आ रहा नवंबर सानू वही दिन उखड़ के वही दिन आ गए साडे वास्ते। भले दिल्ली हो या हरियाणा का छोटा सा गांव चिल्हड़ या देश का कोई और कोना, हर ओर से 1984 के उन 3 दिनों में हुई हत्याओं पर आज भी सवाल उठ रहे हैं। सरकार ये तो मानती है कि 1984 में कई हजार लोग दिन दहाड़े मारे गए। किसने मारे, क्यों मारे, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है। 1984 दंगे में जिन लोगों की दुनिया तबाह हुई, उनके आंसू आज भी नहीं सूखे हैं। दिल्ली के महिपालपुर में 2 हत्या के गुनाहगारों को अदालत से सजा मिलने के बाद दूसरे पीड़ित परिवारों को उम्मीद की एक रोशनी मिली है, क्योंकि उन्हें आज भी है इंसाफ का इंतजार। सनसनी में अभी बस इतना ही। ये है ABP News, आपको रखे आगे।